कैंटर जबरदस्त तरीके से जो टक्कर हुई, ये देख किस तरीके से आमने सामने कैंटर और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसके बाद धुआं उठने लगा। तुरंत वहां पर सड़क पर कांच के टुकड़े बिखर गए और धुएं का गुबार यहाँ आ गया। दोनों वाहनों में से पास ही में एक बाइक पर सवार होकर कुछ लोग भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। और रात के अंधेरे में गाजियाबाद ये सड़क हादसा सामने आया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस तरीके से ये हादसा हुआ, वजह क्या बताई जा रही है? ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि मानो एक अपोजिट साइड से कैंटर आ रहा हो, जिस वजह से ये टक्कर हुई है, बताएं। आपको बताते हैं रात तकरीबन 2 बजे की घटना है, जहाँ पर तेज रफ्तार का कैंटर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीधी रोड की घटना है, जहाँ पर मेट्रो का काम चलता है रात में, और जो दोनों तरफ की रोड है वो एक तरफ की कटी जाती है, यानी कि भारी जो बादल वगैरह वहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं तो एक तरफ रोड कर दी जाती है। तो रात का समय था तकरीबन 2 बज रहे थे और एक तरफ का रोड बंद कर दिया गया था, उसी पर जो धीमी गति से वाहन चल रहे थे। तभी दिल्ली की तरफ से एक बड़ा ट्रक आता है और कैंटर में जाकर घुस जाता है। तो ये सेहत तेज रफ्तार का कहर है, जिससे कैंटर जो चालक था वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहीं ना कहीं यातायात में बड़ी लापरवाही है, बीटी रोड में ये हादसा हुआ है। अभी फिलहाल जो ट्रक चालक है वो भी गंभीर अवस्था में। शुरुआती जांच पड़ताल में लापरवाही गलती किसकी बताई जा रही है, कैंटर चालक की या फिर ट्रक चालक की? तो आपको बता दें जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, ये बाहर की लगी सीसीटीवी में जो पूरी घटना है घटनाक्रम कैद हुई है। आपको बता दें कि ट्रक चालक की पूरी गलती वहां कह रही है, तेज रफ्तार में था उससे सीधा जाकर कैंटर में टक्कर मार दी है। और कैंटर जो चालक है वो गंभीर अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो मृत की मौत से चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद बड़ी लापरवाही और ट्रक चालक की बड़ी गलती मानी जा रही है। बिल्कुल, ट्रक चालक की यहाँ पर गलती मानी जा रही है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आमने सामने ये जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई है, जिसमें कैंटर चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और वहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इन तस्वीरों को हम तक पहुँचाने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में ये जो जबरदस्त टक्कर हुई है।